Good morning, dear friends. I am Dr. Mrinal Sharma and I am a joint replacement specialist and head of department orthopedics at Asian Hospital, Faridabad, Delhi, NCR. आज मैं आपसे बात करूंगा joint pains के बारे में, यहाँ सर्दियों में बढ़ते हुए घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द के बारे में. So we are going to discuss about joint pains and why they increase. So what happens is that during winters, due to the increased atmospheric pressure, जो ज़्यादा दबाव पड़ता है प्रेशर का एटमॉस्फेयर के, उसके कारण हमारे घुटनों में सूजन आ जाती है. उस सूजन के चलते जो है जोड़ों में दर्द बढ़ जाते हैं, स्पेशली एल्डरली में या जो यंगस्टर्स एक्सरसाइज करते हैं उनमें ये पेन बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि सर्दियों में बढ़ जाता है और जोड़ों की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. दूसरा क्या होता है, सर्दी के कारण जो है जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है. सो डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इज़ अनदर रीज़न फॉर द जॉइंट्स टू गेट इन्फ्लेम्ड एंड पेन. एंड एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसमें उनमें ब्लड सर्कुलेशन पूरी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण दर्द होने लग जाता है. और सर्दियों में एक चीज़ और हमने देखी है, नर्व सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. जो हमारी नसें हैं, जो दर्द की नसें हैं, वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं सर्दी के कारण. और दीज आर द रीजंस दैट पेशेंट्स हैव मोर जॉइंट पेन्स ड्यूरिंग विंटर्स. अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हाउ टू स्टॉप दीज जॉइंट पेन्स, हाउ टू डिक्रीज दीज जॉइंट पेन्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू व्हेनेवर यू start doing exercise, you should do adequate warm-up. So warm-up, what it prevents is that it prevents the joints to get inflamed and sudden एकदम injury से prevent करता है हमें. And warm-up के कारण जो है joints की blood circulation बढ़ जाती है. So जब blood circulation बढ़ेगी तो आप exercise को अच्छे से कर पाएंगे. So that is very important. Another thing is जब आप बाहर जाएँ तो आप proper जो है stretching करें और एकदम एक्सरसाइज करना शुरू ना कर दें और एकदम रुकें भी ना एक्सरसाइज करने के बाद. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द अदर थिंग इज़ अ प्रॉपर कूल डाउन. तो जब हम नॉर्मल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वार्म अप, फिर एक उसका कंटिन्यूएशन फेस और फिर एक प्रॉपर कूल डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट विंटर्स में आप जो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड या वॉक इंड्यूस्ड जो ये इंजरीज हैं इनको आप प्रिवेंट करें. इसके लिए एक टर्म भी जो है बनाई गई है, बूमराइटिस बोलते हैं. कि जो बूमर्स थे, एक जनरेशन थी अमेरिका में बिफोर दी जनरेशन एक्स, उन लोगों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का और एक्सरसाइज करने का, फिट रहने का एक जुनून था. सो जो वो जब भी सर्दियों में भी ऐसी एक्टिविटी करते थे तो सबको सूजन, दर्द, जोड़ों में दर्द ये सब शुरू हो जाते थे, इसलिए इसका नाम बूमराइटिस डाला गया. अब उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो एक तो अपने आप को वार्म रखें. अगर आप बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह की वॉक कर रहे हैं, प्रिवेंट करें कि सर ढका रहे आपके जॉइंट्स में. आपने या तो नी कैप्स पहने हो या प्रॉपर वार्म लेगिंग्स पहनी हो, क्योंकि ठंड से मसल्स अपने आप ही सोर हो जाती हैं और दर्द करने लग जाती हैं. दूसरा चीज़, अगर आप बाहर नहीं करना चाहते हैं तो बेटर है ज़्यादा सर्दी में इंडोर एक्सरसाइज करें, जिम करें, और अंदर में ही अपनी जुम्बा या कुछ भी योगा एक्सरसाइजेज जो कि आप घर के अंदर कर सकते हैं वो करें. और अननेसेसरी स्ट्रेनिंग बंद कर दें सर्दियों में. जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको जॉइंट में कुछ दिक्कत हो रही है तो उस टाइम पे अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटी ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉइंट को रेस्ट दें. और कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको बताऊंगा जॉइंट्स के लिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट्स के लिए मोशन इज लोशन. अगर हम चलाते रहेंगे तो वो लुब्रिकेट होते रहेंगे और जॉइंट पेन्स हमारे कम होंगे, क्योंकि जॉइंट अच्छे से लुब्रिकेटेड रहेगा. दूसरी चीज़, हमें जॉइंट्स को हमेशा वार्म रखना है. तो सर्दियों में स्पेशली एल्डरली में जिनमें आर्थराइटिस है उनको जॉइंट्स को कवर करके रखना चाहिए, वार्म गर्म सिकाई करते रहना चाहिए और उनको बीच बीच में चलाते रहें, एक ही जगह पड़े ना रहें या बैठे ना रहें, मूवमेंट करते रहें ताकि जॉइंट स्टिफ ना हो. स्टिफ होगा तो वो जब आप मूवमेंट करेंगे तो पेनफुल भी होगा. और एक पेन हम बोलते हैं गुड पेन एंड बैड पेन. गुड पेन क्या होती है कि जो पेन एक्सरसाइज के बाद थोड़ी बहुत देर के लिए हमें परेशान करती है वो एक गुड पेन है, क्योंकि वो बॉडी उसको एंड्योर कर रही है और धीरे धीरे आपको एक्लिमेटाइज कर देगी उस एक्सरसाइज के लिए. बैड पेन वो है कि जो कंटिन्यूसली चलती रहती है और कोई ना कोई इंजरी के कारण होती है. तो हमें उसमें बहुत ज़रूरी है कि डिफ्रेंशिएट करें. सर्दियों में गुड पेन ज़रूर हो सकता है आफ्टर एक्टिविटी और सर्दी से, बट बैड पेन वो है जो चलता रहे. तो अगर ऐसा कुछ पेन आपको बनता है, डेवलप होता है, यू मस्ट कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन नियर यू. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वार्म अप और स्ट्रेचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ हम और बोलते हैं, कैमल अप करना. कैमल अप क्या होता है, जैसे ऊँट बहुत सारा पानी पी लेता है, तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. मेन को एटलीस्ट 12 ग्लासेज ऑफ वाटर एंड फीमेल एटलीस्ट 8 ग्लासेज ऑफ वाटर डे लेना चाहिए. एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि उससे जॉइंट्स भी आपके हेल्दी रहते हैं, मसल्स भी हेल्दी रहती हैं. एंड अगर आपको किसी कारण से इंजरी हो जाती है सो यू मस्ट चिल आउट. चिल आउट मीन्स वहाँ पे बर्फ़ की सिकाई कीजिए. हालांकि सर्दी है फिर भी बर्फ़ की सिकाई कीजिए, क्योंकि वो और सूजन को नहीं डेवलप होने देगी.
और अगर आपको जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या आपको एडवांस आर्थराइटिस है वेर यू माइट रिक्वायर सम काइंड ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक नी रिप्लेसमेंट, यू शुड गो एंड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन नियर यू और अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन।